दोस्तों पहले T20 महामुकाबले में भारत की शानदार जीत के बाद अब टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे T20 महामुकाबले को लेकर भारतीय में कई सारे बड़े बदलाव कर दिए, जहां पर उन्होंने दूसरे T20 महामुकाबला शुरू होने से पहले भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से शुभमन गिल सहित कई धाकड़ खिलाड़ियों के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो वहीं उनकी जगह इस महामुकाबले में विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल जैसे चार धाकड़ खिलाड़ियों की एंट्री करा दी है, जिससे टीम इंडिया की अब दूसरे T20 महामुकाबले में जीत और भी सुनिश्चित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए सब कुछ बताने वाले हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 महामुकाबला कब और कहाँ खेला जाने वाला है और दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला T20 महामुकाबला 11 जनवरी को मोहाली में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को एक तरफा मुकाबले में शानदार हराया था। इसीलिए अब रोहित शर्मा इसी को देखते हुए दूसरे T20 महामुकाबले में जीत के लिए काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने इस महामुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 में चार बड़े बदलाव कर दिए हैं। तो वहीं उनकी जगह विराट कोहली जैसे धाकड़ खिलाड़ियों की एंट्री करा दी है, जिससे अब टीम इंडिया की जीत और भी सुनिश्चित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो इन दोनों टीमों के बीच दूसरा T20 महामुकाबला जो कि 14 जनवरी को इंदौर में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाना है, इसी को लेकर ही अफगानिस्तान की टीम के कप्तान तथा भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। तो वहीं अफगानिस्तान की टीम के लिए अहम मुकाबला काफ़ी कड़ा और रोमांचक भरा होने वाला है, क्योंकि अगर उसे इस T20 सीरीज में बना रहना है तो हर हाल में दूसरा T20 महामुकाबला भारतीय टीम को हराना ही होगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम के बल्लेबाजों तथा गेंदबाजों ने पहले T20 महामुकाबले में अफगानिस्तान की टीम को मात्र 158 रन पर रोका था, उससे भारतीय टीम का मनोबल काफ़ी बड़ा है, तो अफगानिस्तान की टीम का मनोबल गिर चुका है। इसलिए अब देखना होगा कि दूसरे T20 महामुकाबले में कौन सी टीम अच्छा प्रदर्शन करके सीरीज अपने नाम करती है, जहां पर भारतीय टीम के युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे ने जिस तरह से पहले T20 महामुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन करके भारतीय टीम के लिए जीत दिलाई है, उससे रोहित शर्मा का भी कुछ नज़र आया है। इसके अलावा भारतीय टीम की बॉलिंग भी पहले T20 महामुकाबले में पूरी तरह से लय में नज़र आई, जहां पर भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल तथा मुकेश कुमार ने भी शानदार गेंदबाजी की और टीम के लिए जीत दिलाई थी। तो वहीं रोहित शर्मा ने दूसरी T20 महामुकाबले को जीतने के लिए एक नई प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने का फैसला कर लिया है, जहां पर इस महामुकाबले में भारतीय टीम की ओपनर बल्लेबाजों की बात की जाए तो एक बार फिर से टीम के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल करते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि रोहित शर्मा ने पहले T20 महामुकाबले में कोई भी खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जिस तरह से यह दोनों खिलाड़ी हमेशा से ही भारत के लिए T20 क्रिकेट तथा ODI क्रिकेट में प्रदर्शन करती आए, इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों से दूसरे T20 महामुकाबले में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है, जहां पर पहले T20 महामुकाबले में टीम के कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरह से अनलकी रहे और रन आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारत के लिए अभी तक T20 क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उम्मीद है कि वह दूसरे T20 मैच में अच्छे फॉर्म में दिखाई देंगे। तो वहीं शुभमन गिल के लिए इस महामुकाबले में परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, हालांकि उन्होंने पहले T20 महामुकाबले में 12 गेंदों पर 23 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, लेकिन इस महामुकाबले के लिए यशस्वी जायसवाल की भारतीय टीम में वापसी होने जा रही है, इसलिए अब देखना होगा कि इन दोनों खिलाड़ियों में से किसे रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने का मौका मिलता है। तो वहीं 3 नंबर के लिए इस महामुकाबले में एक बार फिर से भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली की दोबारा से टीम में वापसी होने जा रही है, क्योंकि विराट कोहली पहला महामुकाबला अपने परिवार की कारणों की वजह से उपलब्ध नहीं हो पाए थे, इसलिए अब दूसरे T20 महामुकाबले में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसलिए अब देखना होगा कि विराट कोहली दूसरे T20 महामुकाबले में किस प्रकार का बल्ले से धमाल मचाते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं 4थे स्थान के लिए एक बार फिर से युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी तिलक वर्मा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि तिलक वर्मा ने जिस तरह से पहले T20 महामुकाबले में भारतीय टीम के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, उसी तरह से उनसे दूसरे T20 महामुकाबले में और भी अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि उन्हें बॉलिंग करने का पहले T20 महामुकाबले में
मौका नहीं मिला था। तो वहीं पाँचवें नंबर के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज जीतेश शर्मा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि जीतेश शर्मा T20 क्रिकेट में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और वही प्रदर्शन उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए पहले T20 महामुकाबले में जारी रखा, जहां पर उन्होंने मात्र 20 गेंदों का सामना किया और 31 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेली थी। तो वहीं छठवें स्थान के लिए इस महामुकाबले में एक बार फिर से ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे खेलते हुए दिखाई देने वाले, क्योंकि शिवम दुबे से जिस तरह के प्रदर्शन की सभी क्रिकेट फैंस उम्मीद कर रहे थे उसी तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया, जहाँ पर उन्होंने बल्लेबाजी भी ताबड़तोड़ की और गेंदबाजी में भी लाजवाब प्रदर्शन किया। जहां पर उनकी बल्लेबाजी की बात की जाए तो मात्र 40 गेंदों पर 60 रन की एक बेहतरीन पाली घेरी, तो भाई गेंदबाजी में भी एक विकेट लिया। इसलिए अब T20 वर्ल्ड कप से पहले अगर वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वह हार्दिक पांड्या की टेंशन भी बढ़ा सकते हैं। तो वहीं सातवें स्थान के लिए एक बार फिर से रिंकू सिंह इस महामुकाबले के लिए उपलब्ध रहने वाले हैं, क्योंकि रिंकू सिंह ने जिस तरह से पहले T20 महामुकाबले में मात्र 9 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन की एक बेहतरीन पारी खेली थी, इसलिए उम्मीद है कि वह दूसरे T20 महामुकाबले में उनके बल्ले से और भी लंबे लंबे चौके और छक्के लगाने को देखने को मिल सकते हैं। जहां पर आठवें नंबर के लिए अक्षर पटेल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि अक्षर पटेल ने अभी तक T20 क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी तथा गेंदबाजी से बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि उन्हें पहले T20 महामुकाबले में केवल गेंदबाजी ही करने को मौका मिला, जहां पर उन्होंने उस मौके को पूरी तरह से बनाया और शानदार गेंदबाजी की और 2 विकेट अपने नाम किए थे। तो वहीं 9 नंबर के लिए एक बार फिर से इस महामुकाबले में रवि बिश्नोई को खेला जाना तय माना जा रहा, हालांकि रवि बिश्नोई ने पहले महामुकाबले में पूरी तरह से निराश साबित किया, इसलिए उन्हें दूसरे T20 महामुकाबले से बाहर का रास्ता दिखाकर उनकी जगह बेंच पर बैठे कुलदीप यादव के लिए मौका मिल सकता है, क्योंकि कुलदीप यादव ने अभी तक भारत के लिए T20 क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया था। तो वहीं 10वें खिलाड़ी के रूप में इस महामुकाबले में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का खेला जाना तय माना जा रहा है, हालांकि अर्शदीप सिंह ने पहले महामुकाबले में उम्मीद के मुताबिक कोई भी खास प्रदर्शन नहीं किया, जहां पर उन्होंने बेहद ही निराशाजनक गेंदबाजी की और उन्हें पहले T20 महामुकाबले में कोई भी विकेट नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हाल ही में गेंदबाजी की थी इसलिए उम्मीद है कि वह दूसरे T20 महामुकाबले में अपना वही प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो वहीं आखिरी स्थान के लिए इस महामुकाबले में मुकेश कुमार जैसे तेज गेंदबाज खेलते हुए दिखाई देने वाले, क्योंकि मुकेश कुमार ने जिस तरह से पहले T20 महामुकाबले में भारतीय टीम के लिए ताबड़तोड़ गेंदबाजी करके टीम को जीत दिलाई थी, इसलिए उम्मीद है कि वह दूसरे T20 महामुकाबले में और भी अच्छे गेंदबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर उन्होंने पहले T20 महामुकाबले में शानदार गेंदबाजी की और 2 विकेट अपने नाम किए थे। तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इसी प्लेइंग 11 के साथ ही मैदान पर उतरते हुए दिखाई देने वाले हैं। आपके अकॉर्डिंग इस प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को और बाहर या शामिल करना चाहिए, आप हमारे लिए कमेंट करके जरूरी बता सकते हैं।